आज के इस कोरोना काल में कुछ बिजनेस को व्यापार को लेकर के कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन कोरोना काल के पहले भी और बाद में भी समस्याएं आती रहेंगी बिजनेस से लेकर के। जैसे कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और ढेर सारे कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसे अभी एक समस्या चल रही है कोरोना काल में, वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसमें कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिजनेस या बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, समस्या ये होती है कि हमारे पास ज्ञान होते हुए भी फिर भी हम नहीं शुरू कर पाते हैं, कुछ चीजें नहीं शुरू कर पाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है और हम इस वीडियो में केवल और केवल कंप्यूटर से होने वाले बिजनेसेस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट के द्वारा हम कौन कौन से बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी जीविका उपार्जन चला सकते हैं और अच्छे इनकम कमा सकते हैं, मतलब अच्छी। दोस्तों, कंप्यूटर बिजनेस में सबसे पहली चीज है कंप्यूटर के पार्ट्स को सेल करना। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो आप कंप्यूटर के पार्ट्स को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। दूसरे बिजनेस कंप्यूटर के दूसरे बिजनेस आइडिया पे जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि कंप्यूटर में केवल दो चीजों से मिलकर बना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों ही चीजों का बहुत, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का बहुत ज्यादा क्रेज है। अगर आप हार्डवेयर के स्पेशलिस्ट हैं या सॉफ्टवेयर दोनों में से कुछ भी एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप थोड़े बहुत कहीं से 3 महीने 6 महीने की जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और कंप्यूटर असेंबलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल काम है। आप कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर की बात आती है, जितने भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस हैं, कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर भी रखते हैं। तो दोस्तों, आप प्रिंटर में केवल और केवल कार्ट्रिज रिफिलिंग कर सकते हैं या इंकिंग कर सकते हैं। यह भी बहुत ही एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसमें एक निश पकड़ के आप चलते हैं। तो वैसे अगर आप कंप्यूटर में एक पॉइंट को केवल लेकर चलते हैं, किसी एक पॉइंट पर भी स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो आप अच्छी इनकम। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए या हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दोस्तों, जो भी कंप्यूटर खरीदता है या चला रहा होता है, सारी समस्याएं आती रहती हैं कि कभी चालू नहीं हो रहा है, कभी आप हीट प्रॉब्लम हो गई, कभी और ढेर सारी प्रॉब्लम आती रहती है। अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करना चाहें तो आप कहीं पर भी आसानी से सीख करके कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं और मेंटेनेंस किसी भी कंपनी का AMC ले सकते हैं, जिससे आप साल भर का आपका एक अनुबंध हो जाएगा और आप जाकर के आसानी से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगर कैफे या इंटरनेट कैफे भी खोल सकते हैं, जैसा कि आज के समय में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करना, इसके अलावा स्कॉलरशिप अप्लाई करना और ढेर सारे आवेदन होते रहते हैं, जहां पर आप एक जगह एक कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर और इंटरनेट लेकर के आसानी से फॉर्म भर करके आसानी से अर्न कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसको DTP भी बोलते हैं, और DTP का मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग से है। अब DTP का काम है, डिजाइनिंग का काम काफी अच्छे से चल रहा है। जितने भी पेपर, न्यूज, मैगजीन इस तरह से आते हैं, वहां पर DTP का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पेपर आ रहे हैं उसमें कार्टून बन रहा है, बहुत सी चीजें बन रही होती हैं, और DTP एक ग्राफिक डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, जैसे लोगो बना सकते हैं, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के द्वारा। ओल्ड लैपटॉप को सेल करके, पुराने लैपटॉप सेल करने का भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप पुराने लैपटॉप को खरीदें और थोड़ा सा उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके, सही करके, और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ओल्ड लैपटॉप को सेल करके। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, वेब डिजाइनिंग। दोस्तों, अगर आपको कोडिंग में महारत हासिल है या कोडिंग से आप प्यार करते हैं या कोडिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं, तो और अच्छी नॉलेज लेकर के आप वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर ऑफिस आजकल डिजिटल होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, न्यूज की वेबसाइट हो गई, और बहुत सी ऐसी साइट हैं जिसको आप बना वेब डिजाइनिंग कर अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम बताएंगे जिससे आप आसानी से फ्री में आप वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। अगला है वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग आज के समय में काफी डिमांड है। जैसे
लोग शादी का कैसेट बनवाते हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल वीडियोस बनवाते हैं, वीडियो एडिटिंग का मतलब यूट्यूब के लिए लोग वीडियोस बनवाते हैं, या कोई स्कूल हॉस्पिटल खोलता है उसके लिए प्रचार करवाता है तो वीडियो एडिटिंग के द्वारा, वीडियो के द्वारा प्रचार करता है। तो आप वीडियो एडिटिंग सीख कर अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप तो अमल में अगर बात की जाए तो फिल्मोरा पे सीख सकते हैं, एडोब प्रीमियर है, इसके बाद FCP फाइनल कट प्रो थोड़ा सा हाई लेवल का है। आप इसको सीख करके नहीं आप जानते हैं तो आसानी से छोटे मोटे में जैसे मोबाइल के लिए काइन मास्टर आता है, आप बेसिकली इसका भी यूज करके कमा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद।